जय श्री कृष्णा। आज हम बनाएंगे आलू शिमला मिर्च की सब्जी। उसके लिए ये मैंने 7 आलू लिए हैं। आलू हमारे छोटे साइज के हैं, बस एक आलू थोड़ा मीडियम साइज का है। 3 शिमला मिर्च ली हैं और ये मैंने 4-5 टमाटर ले लिए हैं। टमाटर मैंने छील के लिए हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप भी छील के लिए, आप बिना छीले भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम आलू को छील के काटेंगे। ये हमने सारे आलू छील लिए हैं। आलू को छील के हमने पानी में डाल दिया है, क्योंकि अगर हम आलू को बाहर रखते तो आलू बहुत जल्दी काला हो जाता है। अब इन्हें हम काट लेते हैं। आलू को हम थोड़ा बड़ा बड़ा पीस में काटेंगे और इन्हें वापस पानी में छोड़ देंगे, क्योंकि बाहर रखेंगे तो ये काले हो जाएंगे। ये सारे आलू हमने काट लिए हैं और पानी में डाल दिया है। ये हमने एक छोटी प्याज बारीक बारीक काट ली है और ये हमने 2 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 7-8 लहसुन की कलियों को दरदरा कूट लिया है एक साथ। चलिए अब हम तड़का लगाते हैं। ये हमने पैन ले लिया है, इसमें हम ये 1 चम्मच सरसों का तेल ले लेंगे। आप इसमें रिफाइंड भी ले सकते हैं। और इसे थोड़ा गर्म होने देते हैं। हमारा तेल गर्म हो गया है, इसमें हम ये 1 छोटी चम्मच जीरा डाल देंगे और ये 1 पिंच हींग डाल देंगे। जीरे को थोड़ा ब्राउन होने देंगे। अब इसमें हम ये अदरक लहसुन और हरी मिर्च का जो पेस्ट बनाया था वो डाल देंगे। और जो हमने 1 प्याज काट के ली थी वो भी डाल देंगे। इनको अब हम ब्राउन होने तक भूनेंगे। अगर आप प्याज लहसुन नहीं खाते हैं तो इसे आप छोड़ सकते हैं। हमारी प्याज भुन गई है, इसमें अब हम मसाले डालेंगे। ये हमने 1.5 चम्मच हरा धनिया पाउडर, ये हमने 1/2 से ज़्यादा हल्दी पाउडर डाल दिया। इसको हम थोड़ा सा भून लेते हैं। गैस को हम बिल्कुल सिम रखेंगे ताकि हमारे मसाले जले नहीं। और अब हम ये आलू डाल देंगे इसमें। आलू को अच्छे से मसाले में मिक्स कर देंगे। और ये 1 चम्मच हम नमक डाल देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसे अच्छे से अब हम मिला देंगे। और इसे कवर कर देते हैं, 3-4 मिनट इसे पकने देते हैं। जब तक हमारे आलू इधर पक रहे हैं, हम यहाँ शिमला मिर्च को काट लेते हैं। शिमला मिर्च के जो बीज का ये हिस्सा है, बीज वाला, इसे हम हटा देंगे। ये हमने सारी शिमला मिर्च काट ली हैं। अब हम अपने
आलू को एक बार चेक कर लेते हैं और इन्हें हिला देते हैं। हमने आलू पहले इसलिए डाले क्योंकि आलू देर से पकते हैं और शिमला मिर्च बहुत जल्दी पक जाती है। आलू अभी पके नहीं है, इसे हम 2-3 मिनट के लिए और रख देते हैं ढक के। हम आलू को एक बार चेक कर लेते हैं। आलू को हम दबाते हैं तो ये टूट रहे हैं, यानी कि आलू कुक हो गए हैं। अब हम इसमें शिमला मिर्च डाल देंगे। और ये आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर है। अगर आप तीखा खाना पसंद करते हैं तो मिर्च को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, और अगर आप बिल्कुल तीखा नहीं खाते तो हरी मिर्च हम डाल चुके हैं, आप लाल मिर्च को छोड़ दीजिए। अब इस सब्जी को हम 2 मिनट और पकने देते हैं, तब तक हम ये टमाटर काट के अपने रख लेते हैं। ये हमने टमाटर काट के ले लिए हैं, अब इन्हें हम सब्जी में डालते हैं। आप टमाटर की जगह आमचूर पाउडर भी ले सकते हैं। जब आप सब्जी में कटे हुए टमाटर या आमचूर पाउडर डालते हैं तो सबसे लास्ट में डालिए, क्योंकि अगर आप पहले डाल देंगे तो सब्जी को पकने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। सब्जी को चेक कर लेते हैं। सब्जी बनके तैयार है। हम इसको ऐसे देखते हैं तो आलू एकदम से टूट रहे हैं और शिमला मिर्च तो देखने से ही लग रही है कि ये पक गई है। वैसे भी आप इसे एक बार दबा के देख सकते हैं, ऐसे ये टूट गए। ये हम 1/4 गरम मसाला डाल देंगे। और ये 1 चम्मच हमने कसूरी मेथी ली है, इसको थोड़ा सा हम मसल के डाल देंगे। आप इसकी जगह हरा धनिया भी डाल सकते हैं। हमारी सब्जी बनके तैयार है, गैस को हम बंद कर देते हैं। आलू शिमला मिर्च की सब्जी बनाइए, खाइए और अपने एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। थैंक यू।